एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र नव निर्माण रेल कामगार सेना की ओर से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थित डीआरएम ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे की कवरेज हमारे संवाददाता दिनेश चिल्लक मराठे की यह रिपोर्ट आज दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास यह मोर्चा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रेलवे के डीआरएम ऑफिस तक निकाला गया। इस मोर्चे में अध्यक्ष जितेंद्र पाटिल ने केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को फटकारते हुए अपनी कुछ मांगे रखी। क्या है प्रमुख मांगे? महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र स्थानिक भूमिपुत्रण करता रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बोलून जे तरुण आहेत जे शिकलेले आहेत जे अप्रेंटिस विद्यार्थी आहेत यांना रिटायर झालेल्या माणसांना परत बोलून काय दिवे लावणार आहे म्हणून या महाराष्ट्रातल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रथम नोकरीमध्ये प्राधान्य मिळालं पाहिजे। ठेकेदारी बंद झाली पाहिजे आणि आमदार खासदार आज पेन्शन घेत आहेत आणि कामगारांचा पेन्शन बंद करत आहेत ही कुठची हुकूमशाही? मग आमदार आणि खासदारांच्या पेन्शन देखील बंद झाल्या पाहिजेत ही आमची मागणी आहे। जर तुम्ही कामगारांच्या पेन्शन बंद करत असाल तर पहिले आमदार खासदारांनी आपल्या पेन्शन सोडला पाहिजे ही महाराष्ट्र कामगारांची मागणी आहे। अशी जर मागणी आज आम्ही फक्त निवेदन देत आहे। एमपीएस तत्काळ बंद हो, पुरानी पेन्शन फिर से लागू हो, रेलवे की भर्ती में रेल कर्मचारियों के बच्चों को प्राधान्यता मिले, सेंट्रल रेलवे की प्रिंटिंग प्रेस जो बंद होने जा रही है उसका निजीकरण हो रहा है उसे रोका जाए, रेलवे में सभी डिपार्टमेंट में हो रहे निजीकरण को खत्म किया जाए, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाए, इन कुछ प्रमुख मांगों को लेकर यह मोर्चा था। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रेलवे कामगारों की यूनियन ने मिलकर मोर्चे निकाले थे। उस वक्त मन से रेलवे कामगार सेना की ओर से बड़ा मोर्चा निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। आखिरकार आज दोपहर 3:30 बजे के करीब यह मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र पाटिल के नेतृत्व में निकाला गया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।